हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, याद रखिएगा, समरी हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में दो समरी पूछता है, एक पूछता है प्रोज से और एक पूछता है पोयम से। चार ऑप्शन जिसमें से आएंगे, जिसमें से एक ही का आंसर देना है, किसी एक पर लिखना है आपको। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत लोग भी कह देते हैं कि हम याद किए हैं और सेंटेंस बनाकर लिख देंगे सर। लेकिन याद रखिए, सेंटेंस बनाकर कितना लिखेंगे, क्योंकि समय आपके पास मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट मिलेगा, अन्यथा नहीं तो 10 मिनट मिलेगा। तो इतना में तो संभव नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस बनाने में याद रखिएगा 2 मिनट कम से कम तो लगते हैं। तो बताइए कि एक पेज का आता है समरी लिखने के लिए, तब हमारे पास 5 नंबर मिलेगा। समझ गए? तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर में आपका है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जस्ट आएगा एग्जाम में, ठीक है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। ये पोयम से पूछेगा, पहले तो एक आएगा समरी पोयम से, यहां पर देखिए प्रोज से है। इसका थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। देखिए, ये प्रोज से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन का इसमें से चार ऑप्शन है, कौन कौन है भाई? तो देखिए, यहां पर द सोल्जर है, ऑप्शन बी है सॉन्ग ऑफ माई सेल, ऑप्शन सी है अस्नेक, ऑप्शन डी है माई ग्रैंड मदर हाउस। अब बताइए, चार ऑप्शन मिले, इसमें से एक ही का सिर्फ जवाब आपको देना है, क्योंकि बोला है राइट ऑफ समरी ऑफ एनी वन। क्या बोला है? एनी वन, सिर्फ वो एक का ही जवाब आपको देना है। तो आप लोग याद रखेंगे तभी दे सकते हैं, अन्यथा नहीं तो सोचेंगे कि ये बताइए कि सेंटेंस बनाकर लिखिएगा, तो याद रखिएगा लगभग कम से कम 20 मिनट आपका ये समय ले लेगा। तो इसी के वजह से बोलते हैं कि आप लोग अगर याद रखेंगे, हम भी वैसे याद करा देते हैं, ऐसा डाउट नहीं है कुछ में, ये सब टोटल याद करवा देते हैं। देखिए, आपको सामने खुद दिखा देंगे कि कैसे नहीं, बच्चों को याद है कैसे नहीं याद है। देखिए, अब देखिए, इसमें पहला हम द सोल्जर को, फिर बी नंबर में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी नंबर में है स्नेक, डी नंबर में है माई ग्रैंड मदर हाउस। अगला देखिए, यहाँ पर है राइट द समरी ऑफ एनी वन, इसमें भी एक ही का बोला है। देखिए, ऑफ द फ्लोइंग प्रोज, ये प्रोज सेक्शन से आ गया है। देखिए, चार इसमें भी ऑप्शन है जिसमें से एक ही जवाब देना है, जो याद रखिएगा ये भी 5 नंबर का आता है, और जबकि ये भी 5 नंबर का, कि नहीं एक ही जवाब देना है। चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक का जवाब आपको देना है। देखिए, इसमें है 2 नंबर में ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी में है द सोल्जर नहीं है, द अर्थ है, ऑप्शन सी नंबर में है भारत इज माई होम, ऑप्शन सी डी नंबर में है ए मैरिज प्रपोजल। याद रखिएगा, ये सब पर अगर आपको समरी याद है तभी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी तो नहीं सॉल्व होगा। चलिए, ठीक, नीमा कुमारी खड़े होइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीमा कुमारी है और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। कहाँ से आप हैं? लेरुआ से। चलिए, ये देखिए, पहले आपके पास समरी है, पहला क्वेश्चन राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोयम। ये पोयम है और प्रोज से है, आप दोनों को तो हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, पहला ही क्वेश्चन से आपको हम पूछते हैं, द सोल्जर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी है स्नेक, ऑप्शन डी है माई ग्रैंड मदर हाउस। आप सिर्फ सोल्जर पर बताइए। यस सर, द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोयम इन फॉर्म ऑफ सोनेट कम्पोज बाई द ग्रेट पोएट वा रूपर्ट ब्रूक। द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू अ फॉरगेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। ही फील्स दैट द पीस ऑफ फॉरगेन लैंड वेयर ही विल बी बर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ विल बी फॉर एवर इंग्लैंड। ही कंसिडर्स दैट द पीस ऑफ फॉरगेन लैंड ही वॉज बॉर्न एंड देयर द फ्लावर्स द एयर ही ब्रेथ द लाफ्टर ही हैज लर्न फ्रॉम फ्रेंड दस द पोयम शो द पोएट्स लव फॉर हिज मदरलैंड।
बस इतना ही है। बहुत ही अच्छा, आपको तो याद है। अच्छा ये पहले बताइए, आप ये टोटल पर तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए ये दूसरा है, देखिए द राइट समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज से, आपको फिर प्रोज से नहीं बोलना है। अब बताइए ऑप्शन आपके पास ए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी है द अर्थ, ऑप्शन सी है भारत इज माय होम, ऑप्शन डी है ई मैरिज प्रपोजल। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से किसी एक पर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। चारों तो याद है ना? यस सर, लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर बताकर देखिए तो। ओके, दिस इज ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दिस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई महात्मा गांधी हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ही से दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फ्लोइंग द पैथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट एज बाई वेस्टर्न पीपल That we are ignorant and stolid, but Gandhi ji say this charge is against our merit. We can also do everything, but our civilization give us permission to do so. बहुत ही अच्छा, आप तो नहीं टोटल तो लिख सकते हैं इस पर, कोई दिक्कत नहीं है? आपको डाउट नहीं है सर? नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा। अच्छा आपके पास आठ ऑप्शन है, दो समरी आएंगे जिसमें से चार चार ऑप्शन होंगे, तो बताइए आठों समरी आपके पास याद है कि नहीं याद? यस सर याद है। याद है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। कितने मिनट में लिख सकते हैं दो समरी को? चार से पांच मिनट में लिख सकते हैं दोनों समरी। दोनों समरी लिख सकते हैं? यस सर। बताइए कि 10 नंबर का आता है, आप चार मिनट में लिख सकते हैं तो बताइए, तो पेपर तो बहुत आसान हो जाएगा। कितने मिनट में पेपर को हल कर दीजिएगा? यस सर, हल कर सकते हैं जल्दी। यस सर जल्दी कर सकते हैं। जैसे में आता है 3 घंटा 15 मिनट का पेपर नहीं होता है, आप तो लगता है कि 2.5 घंटा में लिख देंगे। हाँ यस सर, लिख सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, अब थोड़ा समरी सुनाकर दिखाइए ना ये भारत इज माय होम पर। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रेक्ट फ्रॉम द स्पीच ही से गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 February 1897 इन हैदराबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स एट से टू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू पीपल हैथ सो योर ट्रस्ट एंड सेलेक्ट मी एज अ प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग ए स्पीच ही से अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन हु इज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर, ही से एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। आई फील टूडे द फुल भारत इज माई होम, आई एम द हेड ऑफ दिस होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। बहुत ही अच्छा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू। अच्छा ये बताइए नीमा कुमारी कि सर कहाँ से आते हैं? सर सासाराम से आते हैं, लेकिन उनका मकान पड़ेगा आरा, आरा में वो रहते हैं। अच्छा। यस सर। और सासाराम से आते हैं या प्रतिदिन पढ़ाकर चल जाते हैं? यस सर। अच्छा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं साइंस? यस सर बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और याद रखिए हिंदी और इंग्लिश किसी में ऐसा है कि कुछ नहीं फॉल्ट नहीं हो जाता है, टोटल अच्छा से नहीं कवर कर रहा देते हैं? यस सर, सभी सब्जेक्ट अच्छे से वो पढ़ाते हैं। अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा अब बताइए कि इंग्लिश पढ़ाती हैं तो इंग्लिश में समरी आप तो सुना दिए हैं? यस सर सुना है। सुनाए हैं तो अब बताइए कि अच्छा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से हल कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते हैं। अच्छा अब बताइए कि आपको कैसे पढ़ाते हैं सर? सर पहले समरी को बोर्ड पर लिखते हैं। अच्छा। और उसका हिंदी बताते हैं। अच्छा। हिंदी बताकर लाइन बाई लाइन समरी को लिखते हैं और याद करवाते हैं, और इसी प्रकार हम लोग याद कर लेते हैं, फिर रिवीजन भी करवाते हैं। अच्छा रिवीजन हो जाता? हाँ हो जाता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए जैसे में तो हल हो जाता है? हाँ हो जाएगा, उस समरी में ही छिपा रहता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा यस सर। डिटेल से मतलब समझा देते हैं, और डिटेल से बताकर आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया तो एक भी क्वेश्चन तो छूट नहीं सकता? नहीं बिल्कुल सब अच्छे से हो जाता है। हो जाता है? यस सर। चलिए चलिए ठीक है, आप बैठिए।